हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर पॉइंट यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी ब्रांच हो उसके एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या तो कहें जनरल इंजीनियरिंग या तो कहें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। किसी भी नाम से कोई ना कोई सब्जेक्ट में आपके होगा ही। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजिस्टेंस क्या होते हैं, यानी प्रतिरोध क्या होता है। फिर हम बताएंगे आपको लॉ ऑफ रजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं। अगली टॉपिक की बात करें तो प्रतिरोधकता के बारे में जानेंगे, यानी रजिस्टिविटी क्या होती है। साथ में हम जानेंगे चालकता एवं विशिष्ट चालकता, यानी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, या कहें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। साथ में हम आपको प्रतिरोधों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बताएंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी पूरी मतलब नॉलेज यहां से गेन हो सके, ठीक है। और आज यह है दूसरी वीडियो। तो देखो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखोगे ना तभी पूरा बेनिफिट उठाओगे। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पे अपनी तरफ से एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं कॉपी पे, और यहाँ पे आज के जितने हमने टॉपिक्स बताए ना सब पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका आज का अपना टॉपिक क्या है, प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, प्रतिरोध के नियम क्या है यानी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, चालकता एवं विशिष्ट चालकता जिसे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी कहते हैं, या तो विशिष्ट चालकता को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, श्रेणी और समांतर क्रम। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लाभ लेना है ना तो अंत तक तो देखना ही होगा, नहीं तो भैया गारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, देखिए सबसे पहले आज हम प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस? किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस एक पदार्थ का गुण होता है जो स्वयं में विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, और दोस्तों इसका मात्रक जो होता है ना वो ओम होता है, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है इस तरीके का होता है, हमेशा ध्यान रहे प्रतिरोध का प्रतीक रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका ये सिंबल होता है। चलिए दोस्तों अगली टॉपिक हम जान लेते हैं, लगे हाथ फटाफट से हम जान लेते हैं कि प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है प्रतिरोध के नियम, कोई भी पूछ सकता है और पेपर में भी आने के चांसेस हैं। अगली साल आया था लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए जो किसी भी पदार्थ है ना उसका जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है वो निम्न बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, तो जो पदार्थ का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, चालक तार कितना लंबा है उसका प्रतिरोध उसी पर डिपेंड करेगा, और उसी लंबाई के जो प्रतिरोध होगा उसके समानुपाती होगा। अब देखिए जहां यल चालक तार की लंबाई है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या नियम है, जो किसी चालक तार का प्रतिरोध कहें या किसी पदार्थ का प्रतिरोध कहें, बात एक ही है, किसी बात करें कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए पर निर्भर करता है एवं इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, जहाँ ए उसका क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। चलिए तीसरी की बात करते हैं, तो दोस्तों क्या है, किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है ना चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, कि भैया उस जो पदार्थ हमने लिया कौन सी प्रकृति का है, भैया कॉपर है तो अलग होगा, चांदी है तो अलग होगा, इसी तरीके से लोहे का मतलब वायर है तो उसका कुछ अलग होगा, तो इस तरीके अलग अलग मतलब पदार्थ के प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। अगला नियम क्या है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान, ध्यान दीजिएगा किसी पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ के तापमान पर भी निर्भर करता है, अतः आर अनुक्रमानुपाती यल बाई ए हो जाएगा। कैसे हुआ दोस्तों, जो ये दो नियम्स थे ना इन्हीं नियमों को मिलाने पर ये चीज़ हो गया। जैसे ही अनुक्रमानुपाती यहाँ पे ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो चिन्ह दोस्तों है ना ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, ठीक है, इस तरीके से कुछ अनुक्रमानुपाती बनता है, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से बना लीजिएगा, देखिए इस तरह अनुक्रमानुपाती, और जब ये पूरा फैला होता है तो एक प्रकार का अल्फा को दिखाता है, ठीक है। तो दोनों नियम मिल गए, तो एक रो आ गया। अब रो क्या, भैया जान लीजिए, जहाँ रो ना एक नियतांक होता है जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए भैया आपके प्रतिरोध के नियम। चलिए अगली टॉपिक पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है।
चलिए दोस्तों, देखिए प्रतिरोधकता अगली आपकी टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। जो पिछला फार्मूला अभी आपने देखा, यही देखा कि चूंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, अगर मैं रो को एक तरफ करूं तो रो इज इक्वल टू R A बाई एल हो जाएगा। अगर मैं मान लूं कि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, यह लंबाई है 1 मीटर ले रहे हैं, तो इन दोनों के स्थान पर जब रख देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, रो आर के बराबर हो जाएगा। अब इसी के अनुसार हम परिभाषा बना देंगे। क्या परिभाषा बनेगी देखिएगा, अतः एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, एवं इसका एस आई मात्रक ओम मीटर होता है। तो देखा आपने, हमेशा याद रखिएगा प्रतिरोधकता का जो मात्रक, रजिस्टिविटी के जो मात्रक्स होते हैं ओम मीटर होते हैं। अगली टॉपिक पर हम बात करते हैं जिसका नाम है चालकता। अगली टॉपिक आपके सामने दिख रही चालकता एवं विशिष्ट चालकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्या होती है परिभाषा, देखिए किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चालक स्वयं में विद्युत धारा प्रवाह की सहायता करता है चालकता कहलाती है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, तथा पदार्थ का यह गुण प्रतिरोध का विलोम होता है। तो आपने क्या देखा ना कि जो प्रतिरोध है उसी का विलोम होता है आपका चालकता। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने परिभाषा बताई, डिफिनेशन बताया ना, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला बना लेंगे। चालकता इज इक्वल टू 1/ प्रतिरोध यानी जी इज इक्वल टू 1/R, इसका मात्रक दोस्तों होता है महो, जिसे इस तरह भी दिखाते हैं या ओम इनवर्स से दिखाते हैं, महो लिखते हैं, महो का चिन्ह ही है। ठीक है, अब देखिए इसका एक मात्रक जो कि इस तरीके का होता है आप देख सकते हैं, और इसका एक अन्य मात्रक जो बहुत कम लोग को ही पता है जिसको साइमन बोलते हैं। ठीक है, इसका अन्य मात्रक साइमन होता है, सीमेंस भी कभी कहते हैं, तो दोनों चीज़ हो सकती है। तो जी इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 1/ रो एल बाई ए हो जाएगा, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/ रो इधर हो जाएगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बाई एल हो जाएगा। अब देखिए 1/ जो रो है ना उसको हम सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एल हो जाएगा। अब देखिए उपर्युक्त सूत्र में सिग्मा को ही चालक तार की विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, तथा यह प्रतिरोधकता रो जो होती है उसका विलोम होता है, तथा मात्रक 1/ ओम मीटर, ध्यान दीजिएगा 1/ ओम मीटर या महो प्रति मीटर होता है, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ यानी यहाँ पे देख सकते क्या, महो प्रति मीटर हो। ठीक है, या तो 1/ ओम मीटर हो जाएगा। तो बात एक ही है गाइस। तो इस तरीके से गाइस कुछ आपके टॉपिक समाप्त हुए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, जिसको कि नाम है कि भैया प्रतिरोधक, जो आपके प्रतिरोध है ना उसको कम्बिनेशन करने का। हमने ये कहा था कि अगली टॉपिक हमारी होगी कि कम्बिनेशन कैसे करते हैं प्रतिरोधों को, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ एक दो न्यूमेरिकल भी बता देंगे जिससे हाँ आपको लगे भैया एकदम प्रूफ हो रहा है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध को मुख्यतः दो रूप से जोड़ सकते हैं, सबसे पहला सीरीज यानी इन सीरीज, दूसरा है समांतर, श्रेणी और समांतर में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, इन सीरीज में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरों को उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि श्रेणी यानी सीरीज में कहलाती है। आप देख सकते हैं पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे के पहले से, अंत में दोनों बचे इस तरह से यंत्र तक जुड़ जाएंगे, और बचे हुए सबको क्या करेंगे, नीचे हम ला के सेल से जोड़ देंगे जो लास्ट में बचेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। अब अभी तक जो आपने जो सर्किट डायग्राम देखा उसकी मदद पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि प्रूफ करेंगे, इसका फार्मूले को डेराइव करेंगे। कैसे, देखिए माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, आपने देखा था अभी चित्र में कि यही 3 प्रतिरोध थे। बिंदु A व B के बीच एक सेल से प्रतिरोध में, ठीक है, एक सेल से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सेल से तीनों प्रतिरोधों में समान धारा I प्रवाहित होती है, जबकि
प्रतिरोधों के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर कितना, वी वन वी टू वी थ्री, इस तरह से। तो वी इज इक्वल टू ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री, इस तरीके से सब में ड्रॉप हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी यदि ए व बी के बीच तुल्य विभवांतर यानी इक्विवेलेंट वी हो, तब वी इज इक्वल टू सबको जोड़ लेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, आई को कॉमन कर लेंगे, इक्वेशन वन बना लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, हम ये करेंगे कि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध आर लगाएंगे जिसमें सेल से यानी जो हमारी बैटरी लगी है उसमें से धारा कितनी, करंट जो है आई फ्लो हो रही है, उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर भी होगा, तो भी इज इक्वल टू आई आर, इक्वेशन टू हो जाएगा। समीकरण एक व दो से भी दोनों तरफ है तो बराबर हो जाएंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। आई आई से देख सकते हैं दोनों पक्षों में है तो कट जाएगा, तो आपका फार्मूला श्रेणी क्रम में आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन तक, और इसे आप आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओम में आएगा। अब देखिए जो चीज़ यहाँ पर फार्मूला बनाएगी उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी परिभाषा टाइप की बनती है, उसको आप देख लीजिए क्या है। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है, इसके अनुसार परिभाषा बन गई। इस विधि से प्रतिरोध को जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक प्राप्त किया जा सकता है, यानी अगर प्रतिरोध को बढ़ाना है कहीं पे तो हम क्या करेंगे कि यह हम जोड़ जोड़ कर प्रतिरोध को बढ़ा लेंगे। मान लीजिए अगर मेरे पास 10 ओम के मुझे 30 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत है और मेरे पास 10 ओम के सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो मैं तीन रेजिस्टेंस को जोड़कर सीरीज में 30 ओम का रेजिस्टेंस मैं बना लूँगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी पैरेलल में की तरीके सीखेंगे, और पैरेलल में कैसे करेंगे अभी इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगली टॉपिक पर बात कर लेते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं और इसके क्या दोस्तों नियम होते हैं, ठीक है। देखिए समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि समांतर क्रम कहलाती है, पैरेलल में कहलाती है। आइए एक फिगर की मदद से समझते हैं। देखिए इस तरीके से तीन प्रतिरोध लिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से जितने चाहें उतने प्रतिरोध ले सकते हैं। आर वन आर टू आर थ्री ए व बी के बीच सेल की सहायता से जोड़े गए हैं, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। जंक्शन ए पे जाने के बाद यह तीन भागों में बढ़ जाती है, पुनः जंक्शन बी पर तीन भाग मिलकर एक करंट बनती है, फिर आकर यहाँ आ जाती है। अब इसको प्रूफ करेंगे, इसके फार्मूले को डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखते हैं, माना तीन प्रतिरोध आर वन आर टू आर थ्री बिंदु ए व बी के बीच एक सेल से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, सेल से धारा आई प्रवाहित होती है, ठीक है, बिंदु ए पर तीन प्रतिरोधों में बढ़ जाती है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर समान विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है, तब पर क्या समान विभवांतर, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो करंट अलग अलग बढ़ती है, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज समान होता है, सीरीज में जब जोड़ेंगे तो आपका वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट एक समान सभी जगह होती है, इसका आपको ध्यान रहे। अब चलिए इसकी अगली टॉपिक्स पे बात करते हैं और कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए मान लें यदि प्रतिरोध जो हमारे प्रतिरोध हैं उनमें धाराएँ आई वन आई टू आई थ्री फ्लो हो रही हैं, तो आई वन इजक्वल टू वी अपान आर वन, आई टू इजक्वल टू वी अपान आर टू, आई थ्री इजक्वल टू वी अपान आर थ्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ये फार्मूला कहाँ से होता है तो अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों आपकी ओम के नियम पर, तो उसमें आप सब कुछ जान लोगे कि क्या क्या भाई आपका टॉपिक्स है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आई इज इक्वल टू देखिए आई वन आई टू आई थ्री हो जाएगा, तीनों की वैल्यू रख देंगे, भी सब में समान था तो कॉमन कर लिया और हमने इक्वेशन वन बना लिया। अब देखिए यदि दोस्तों तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध आर लगाएं जिसमें धारा आई प्रवाहित होने पर उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर भी हो, तब आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इक्वेशन टू आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इक्वेशन एक व दो को मिला लेंगे, तो दोनों को मिलाने भैया ये चीज़ बन जाएगी और भी दोनों तरफ है कट जाएगा, जैसे उसमें क्या था उसमें आई था तो कट गया था तो भी कट गया, तो आपका फार्मूला क्या बना, वन अपान आर इज इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। अब देखिए इसके मदद से क्या कर सकते हैं, अतः समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस विधि से तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी बना सकते हैं, ठीक है, जो मतलब अगर मान लो कोई एक
प्रतिरोध है आपका रेजिस्टेंस 2, 4, 6 ओम के हैं लेकिन पैरेलल में जुड़े हैं। तो जो 2 ओम का सबसे छोटा है ना, अगर उसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह जो होगा 2 ओम से भी कम का प्रतिरोध बना लेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मुझे कहना है कि मान लो 31 का या इस तरीके का कुछ हमें बनाना, मतलब पॉइंट में कोई हमें प्रतिरोध बनाने हैं और हमारे पास बड़े प्रतिरोध हैं, तो उनको दोस्तों हम किसी न किसी तरीके से थोड़ा पैरेलल सीरीज करते हुए हम उनको सामान्य रूप में चेंज कर लेंगे। अभी तक तो गाइस आपकी हो गई नॉर्मल सी बातें कि भैया किताबी भाषा में कि प्रतिरोध जान लिया। अब थोड़ा सा दोस्तों हम न्यूमेरिकल पर काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल 2-4 कर लेंगे तो भैया बहुत मजे आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला हम सीरीज को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम किस पर करेंगे, पैरेलल वाले को करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करके करेंगे क्वेश्चन, और कुछ होमवर्क भी दे देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए ये सीरीज का नियम है, तो इस तरीके से आपके प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध और इधर देख सकते हैं 3 प्रतिरोध और इस तरह से 4 प्रतिरोध होंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 ओम, इसकी 4 ओम, इसकी 3 ओम और इसकी दोस्तों 1 ओम है, इस तरीके से है। और पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, और मैं कहूँ कि आर इक्विवेलेंट जो है आपका इक्विवेलेंट ए बी, ठीक है, आर ए बी या आर इक्विवेलेंट ए बी कहिए, तो उसको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे R1 + R2 + R3 + R4, क्योंकि 4 प्रतिरोध है। आप देखिए सबको वैल्यू रख दीजिए, तो पहला कितने का 2 है, दूसरा 4 है दोस्तों, उसके बाद 3 है प्लस 1 है, जोड़ लीजिए सबको, 4 2 6 हो गए, देख सकते हैं 4 2 6 और 6 3 9 1 10, यानी टोटल दोस्तों कितना हो गए, 10 ओम हो गए। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आया दोस्तों, R A B कितना आया, 10 ओम आपके ये आंसर हो जाएंगे। चलिए एक होमवर्क पहले आपको भी दे देते हैं इसी तरीके से, मान लीजिए एक इस तरीके से 2 3 4 5 इस तरीके प्रतिरोध, हालांकि थोड़ा इधर उधर है लेकिन आप साइज बनाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए प्रतिरोध यहाँ आर है और ये बिंदु यस है। ठीक है, आपको क्या बनाना होगा, मान लीजिए 2 ओम है, ये 2 ओम है भैया, और ये 5 ओम है, ये 20 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 2.5 ओम है। ठीक है, 2.5 ओम इस तरीके के प्रतिरोध दिए गए आपको, इसका आर आर मतलब जो आपका ए आर है तो इसके इक्विवेलेंट बताने हैं आर एस के बीच। ठीक है, कितना आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं इस तरीके से। चलिए एक दो और हम भी बता देते हैं, मान लीजिए दोस्तों एक इस तरीके से हमने प्रतिरोध बना लिया 1 2 3 और 4 5 और इस तरह से 6, इस तरह मान लीजिए दोस्तों 1 ओम का है, ये 2.5 का है, ये 3.5 का है, 3.5 ओम, ये 4.5 ओम का है, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये 5 ओम का है, और ये 7.5 ओम का है, इस तरीके से दोस्तों दिया गया, और इधर ए बी के बीच ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आर ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबको जोड़ लेंगे, देखिए कितने 3 और 3 6 हैं, यानी R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ सकता है, क्योंकि आगे सर्किट सॉल्व करने के काम में आएंगे। ठीक है, देखिए सबकी वैल्यू रखिए 1 + 2.5 + 3.5 + 4.5 + 5 + 7.5। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए इसको, यहाँ पर 1 है और यहाँ 5 है, सबसे पहले ये दोनों है तो 6 कर लीजिए। अब इन दोनों करेंगे कितना होगा, 3 और 2 5 होंगे, लेकिन ये दोनों भी तो 1 है, प्लस कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे, और ये कितना है ऑलरेडी देख सकते हैं 7 और 4 11, और ये मिलकर हो जाएंगे 12 + 12 हो जाएंगे दोस्तों, और देख सकते हैं 6 6 कितना हो जाएगा 12 + 12, यानी आपको दोस्तों 24 ओम का आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं सर्किटें, देख सकते हैं यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, यहाँ पर देखते 2 है 3 5 है 5 4 9 और 9 7 16 हो गया, और 2 18 हो गए, 18 1 19 हो गया, और 19 और 5 24 हो गए, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये चीज़ हो गई भैया, आइए एक दो होमवर्क और दे देते हैं आपको सीरीज वाले में। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए आपका 1 ओम है, ये आपका इस तरीके से 0.5 ओम है, ये मान लीजिए आपका दोस्तों है 3.2 ओम का है, और इस तरीके मान लीजिए 3 ही है, और इसके बीच ये इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, तो आर ए बी मतलब इसके तुल्य आपको ज्ञात करना और हमें कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। चलिए दोस्तों लगे हाथ हम कुछ पैरेलल के न्यूमेरिकल अगर बता देंगे भैया उसके भी मजे हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ना, सीरीज में अगर जोड़ेंगे प्रतिरोध तो प्रतिरोध बढ़ते हैं, अगर प्रतिरोध को बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ना, अगर कम करना है तो पैरेलल में जोड़ देना। अब देखिए पैरेलल मतलब क्या,
ऐसे इस तरह से है भैया ये चीज, इस तरीके से। पहले तो हम बता दें पैरेलल बनता कैसे है। अगर कोई कर दे इस तरीके से है, आपको पैरेलल बनाना है, ठीक है, पैरेलल आपको बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, इसके दूसरे के इसको पहले से मिलाना है, इसके दूसरे के इसके पहले से, और जो बचा दोस्तों ये चीज़ आपकी देखिए अभी सीरीज में है, ठीक है, पहले के दूसरे, एक सेकंड सॉरी, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से सीरीज बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए अगर इस तरह जोड़ देंगे सीरीज बन जाते हैं। अगर पैरेलल बनाने इस तरह से तीन प्रतिरोध हम दे दें इस तरीके से दोस्तों, तो पैरेलल बनाने के लिए बस ऐसे कर दीजिए, पैरेलल बन गया और ये सीरीज बन जाता है। अब देखिए मान लीजिए एक दोस्तों प्रतिरोध इस तरीके का है, मैं बना देता हूँ आपके लिए चार प्रतिरोध, ठीक है, चार प्रतिरोध, अभी मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए इधर हम बना लेते हैं ए और इधर बी, अभी देखिए 2 ओम है, ठीक है, और ये देखिए दोस्तों 2 ओम है, और ये दोस्तों देखिए 4 ओम है, और ये दोस्तों 4 ओम है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, चार है ना, तो इस आर ए बी के बीच निकालना है, तो आर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4, ये चीज दोस्तों हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सबकी वैल्यू रखिए, 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 है प्लस 1/4 है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए हाफ ए है हाफ ए है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ए आपका दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का तो भी होगा, इन दोनों को दोस्तों प्लस हो जाएगा 1/4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, 2/4 हो जाएंगे, यानी 1/2 हो जाएंगे, ठीक है, यानी 1 + 1/2 हो जाएंगे, यानी टोटल की बात करें दोस्तों तो 3/2 हो जाएंगे, यानी 1.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा हमने क्या बताया था आपको, हमने यही बताया कि जो सबसे कम होगा 2 ओम का सबसे कम है, और इससे भी कम आएगा प्रतिरोध, तो देख सकते हैं बिल्कुल कम आया है, ठीक है ना, देख सकते हैं 2 से कम बिल्कुल आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक होमवर्क आपके लिए दे देते हैं फटाक से, होमवर्क दोस्तों ये कुछ इस तरीके का बना लीजिए, चलिए आपके लिए 3 वाला ही देता हूं, ठीक है, मान लीजिए 2 ओम है, 3 ओम है, और ये 4 ओम है, इस तरीके से दोस्तों आपको इसके बीच क्या करने हैं, ए है और ये बी है, इसके बीच आर ए बी इक्विवेलेंट आपको ज्ञात करने हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अब हम आपको कुछ मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन बता देते हैं। मान लीजिए दोस्तों इस तरीके का एक क्वेश्चन आ गया, देखिए ये दोनों पैरेलल में आपस में है, ये देखिए फिर इधर आके सीरीज में हो गया, इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर मान लीजिए पैरेलल में कर दीजिए, फिर इसी तरह सीरीज में कर दीजिए, इस तरीके से। अब देखिए इसके ए और बी के बीच निकालने, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों 4 ओम का है, और यहाँ पे दोस्तों 4 ओम का है, और ये दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये कितना ओम का है, 0.5 ओम का है, ठीक है। अब इधर वाला दोस्तों देख लेते हैं कितने ओम का है, ये देखिए 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम आर ए बी निकालें तो इन दोनों का जब तुल्य करेंगे, देखिए 1/4 1/4 तो कितना हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2, 1/2 मतलब क्या, यहाँ से 0.5 ओम मिले जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ पर 0.5 ओम का यहाँ भी है, और 1/2 1/2 इसका मान कितना हो जाएगा, +1 ओम का हो जाएगा, टोटल कितना हुआ दोस्तों, 2 ओम का हो गया। तो देखते हैं मिक्स टाइप के दोस्तों, मैं तो ये छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन मैं लूँ तो देखिए इस कुछ इस तरीके का बना देंगे फटाफट, देखिए इस तरीके का दोस्तों, इस तरीके का, इसी तरीके से दोस्तों अपने अनुसार हम ढेर सारे लॉजिक्स पर अपने बना सकते हैं, इधर भी जोड़ दिया, अभी इधर भी जोड़ने लगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। अगर मैं मान लूँ ए है और ए, यहाँ पे ए है और इसको बी है, तो आर ए बी अगर मैं कह दूँ आपको निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए दोस्तों ये 2 ओम है, ए भी 2 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है, 1 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, और यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, क्या होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सीरीज है, तो इधर जोड़ेंगे तो सीरीज पहले जुड़ेगा, यहाँ पे आएंगे तो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल सॉल्व करेंगे, जैसे दोस्तों आपका पैरेलल सॉल्व होता है तो इस वाले को सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पे सॉल्व होता है तो इन दोनों को लेकर फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ कर लेंगे, तब ये दोनों तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो सॉल्व होकर इसके पैरेलल में आ जाएंगे, फिर यहाँ जैसे पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों के साथ सीरीज में हो जाएंगे, फिर इसके साथ पैरेलल में रहेंगे, फिर इसी तरीके से जो सीरीज में रहेंगे इन दोनों सीरीज में, तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के, अधिक जानकारी के लिए आप अपनी बुक में जाके देख सकते हैं। और हमने आज आपको क्या बताया था, हमने कहा था भैया आज हम इतनी टॉपिक पे सिर्फ डिस्कस करेंगे, तो आज इतनी टॉपिक हो गई 2 वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं आज टॉपिक देख लीजिए,
तीसरे में हम बताने वाले हैं ओम का नियम, ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फॉर्मूला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला बताएंगे प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो गाइस अगली वीडियो देखना ना भूलें। आई होप आज के लेक्चर पसंद आए होंगे, तो लाइक करना ना भूलें। नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अभी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।